हेलो दोस्तों, वेज और नॉन वेज दोनों तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका रसोई रमन की में। तो आज हम बनाएंगे बेल का शरबत, जिसके लिए दोस्तों मैंने एक बेल लिया है। दोस्तों कल बहुत तेज हवा चली और ये पेड़ पर से गिरा और मैं इसे उठाकर लेकर आई और मैं इसका बनाऊंगी शरबत। दोस्तों इसे पीने से हमारे पेट की गर्मी भी दूर होती है और हमें ये लू से भी बचाता है। तो हम आज इसका शरबत बनाएंगे। ये आराम से बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, बेलन लेंगे और इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे तोड़ लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको चम्मच से जो है इसका सारा पल्प निकाल लूँगी। और ये आप गर्मी में पियेंगे तो ये आपकी लू, आपको लू से भी बचाएगा और आपके पेट की जो गर्मी होती है ना उसको भी ये दूर करता है। ये देखिए, अब हमने इसका सारा पल्प निकाल लिया। एक बेल से जो है इतना सारा हमारे को पल्प मिल गया है। अब मैं एक बाउल लूँगी और उसके अंदर इसको डाल दूँगी। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसको हम एक घंटे तक इस तरह से डुबो के रखेंगे ताकि इसको जो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से इसका जो पल्प जो है आराम से सॉफ्ट हो जाए और हमारा जूस जो है आसानी से निकल जाए। मैं इसे ढक्कन देके एक घंटे के लिए इसको रख दूँगी। एक घंटा हो चुका है दोस्तों, हम देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट सा हो जाए और इसका जूस जो आराम से निकल जाए। इस तरह से हम हाथ से भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से हाथ से करने से बहुत अच्छे से ये निकल जाते हैं। बीज वगैरह हम जो है इसके निकाल लेंगे, छलनी लेंगे और उसके अंदर इसको छान लेंगे दोस्तों। इस तरह से हमने इसको अच्छे से छान लिया है। अब आप चाहें तो इस तरह से इसको पी सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मीठा डाल के और बर्फ़ डाल के। अगर आप मिक्सी में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा जूस बन जाएगा। मिक्सी के अंदर बहुत ही अच्छा इसका एक तो कलर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डाल दीजिए। थोड़ा सा हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हम इसे बंद करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जूस बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे और ये गर्मियों में आपको बहुत ही ठंडक देता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे, जितना ठंडा होगा उतना ही बहुत ही टेस्टी सा लगेगा। अब हमारा जूस जो है बनकर तैयार हो गया और एक बेल से हमने दो गिलास जूस बनाकर तैयार कर दिया। ये दूध वाला भी बनता है, आप दूध वाला भी बना सकते हैं, बाज़ार में इसी तरह से मिलता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।